लेस देन फायरबॉल एंड लॉस ऑफ एसी। इसका हम लोग देखते हैं, लॉस ऑफ एसी मतलब होता है 110 वोल्ट एसी पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई कहां पे जाता है? आपका जितना भी एच ओ एन वी है हर कॉर्नर पे, हर एलिवेशन के कॉर्नर पे, एंड एल ओ एन वी आपका एवी एलिवेशन के चारों कॉर्नर पे है, जो आपका एटोमाइजिंग स्टीम का जो नोजल वाल्व है या एटोमाइजिंग एयर का जो नोजल वाल्व है, तो उसमें आपका 110 वोल्ट एसी पावर सप्लाई होता है, ठीक है। और अगर लेस देन फायरबॉल का मतलब होता है कि आपका फायरबॉल नहीं हो उस समय, ठीक है। फायरबॉल आपका कब बनता है? जब आप कोई एक फीडर सर्विस में लेते हैं तभी उसमें आपका फायरबॉल बनता है। तो बोलता है अगर आपका कोई भी फीडर सर्विस में नहीं है, एनी फीडर आपका ऑफ है, ठीक है, व्हेन ऑल द कोल एलिवेशन आर नॉट इन सर्विस, कोई भी कोल एलिवेशन आपका सर्विस में नहीं है, एंड अगर कोई भी कोल एलिवेशन सर्विस में नहीं है तो लेस देन फायरवॉल बन गया, एंड देयर इज अ लॉस ऑफ पावर सप्लाई एट एनी ऑफ द एलिवेशन इन द सर्किट। और आपका पावर सप्लाई का अगर लॉस हो जाएगा तो एमएफटी इनिशिएट करके बॉयलर को प्रोटेक्शन में ट्रिप करा देगा। क्यों ट्रिप कराता है? देखिए इसको, अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होता है कि एज इग्निशन एनर्जी विल नॉट बी प्रॉपर, क्योंकि आपका फायरबॉल नहीं है तो इग्निशन एनर्जी आपका प्रॉपर नहीं है, एंड वार्म अप एलिवेशन ऑयल का कोई जो वार्म अप एलिवेशन है, मान लीजिए आपका एवी एलिवेशन में आपने ऑयल गन लेके आपने स्टार्ट किया और सीडी एलिवेशन में आपको ऑयल गन लेना है, आपने सीडी एलिवेशन में ऑयल गन लिया, स्टार्ट कमांड दिया और आपका पावर सप्लाई उसमें चला गया, उसी समय आपका पावर सप्लाई चला गया 110 वोल्ट डीसी, 110 वोल्ट एसी का पावर सप्लाई आपका चला गया और आपने सीडी में एलिवेशन में आपने ऑयल गन ले लिया, आपका एपी एलिवेशन के चारों कॉर्नर में मान लिया ऑयल गन था, सीडी एलिवेशन में आपने गन लिया और उसी समय आपका 110 वोल्ट एसी पावर सप्लाई चला गया, तो एमएफटी इनिशिएट हो जाएगा और बॉयलर को प्रोटेक्शन में ट्रिप करा देगा, डैमेज होने से बचा देता है। ये ऐसा लॉजिक क्यों दिया हुआ है? वही दिया हुआ है कि दी वार्म अप एलिवेशन कांट बी अलाउड टू रन विदाउट कंट्रोल एज देयर इज नो पावर सप्लाई, क्योंकि सिस्टम देख रहा है कि एच ओ एन वी में आपका पावर सप्लाई ही चला गया है, तो फिर बॉयलर में जो ऑयल का जो कंट्रोल होगा वो कैसे कंट्रोल होगा? इसलिए इस प्रोटेक्शन में क्या होता है, आपका एमएफटी इनिशिएट करके बॉयलर को ट्रिप करा देता है। फ्रेंड्स एक और पॉइंट है, लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप। लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप मतलब क्या समझते हैं? नो कोल नो ऑयल, ना कोल का फ्लो हो रहा है ना ऑयल का फ्लो हो रहा है बॉयलर के अंदर, तो आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप में एमएफटी इनिशिएट करके बॉयलर को ट्रिप करा देगा। मींस एज नो फ्यूल इज बीइंग फेड इनटू द बॉयलर जनरेशन और द फर्नेस जनरेशन ऑफ हीट फॉर सब्सटेंस ऑफ कंबशन एंड सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन ऑफ स्टीम कांट टेक प्लेस, मींस आपका फर्नेस जनरेशन के अंदर कोई भी फ्यूल का फीड नहीं हो रहा है, ताकि आपका बॉयलर क्या होता है हीट का यूज करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, तो आपका कोई भी फ्यूल का बर्निंग ही नहीं हो रहा है, कोई भी फ्यूल का सप्लाई नहीं हो रहा है, एंड सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन ऑफ स्टीम कैन नॉट टेक प्लेस। जब हीट का बर्निंग ही नहीं होगा तो फिर वाटर स्टीम में कैसे कन्वर्ट करेगा? तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप में आपका एमएफटी इनिशिएट हो जाता है। देखिए लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप आपका प्रोटेक्शन का आर्मिंग भी होता है, कि इस कंडीशन को अचीव करने के बाद ही आपका ये प्रोटेक्शन में एमएफटी इनिशिएट करेगा। जब तक वो कंडीशन फुलफिल ना हो तब तक आपका एमएफटी इनिशिएट नहीं करेगा। तो ये कंडीशन क्या है कि एनी एलिवेशन ऑयल नोजल वाल्व नॉट क्लोज। अगर नॉट क्लोज मतलब क्या कि अगर कोई एक ओपन है, किसी भी एलिवेशन में अगर आपका नोजल वाल्व ऑयल नोजल वाल्व, चाहे वह एल ओ एन वी हो या एच ओ एन वी हो, अगर कोई भी वाल्व नॉट क्लोज है और एमएफटी रीसेट हो गया है टाइम डिले 5 सेकंड में, तो माना जाएगा कि आपका आर्मिंग जोन आ गया है। अब इस जोन के बाद आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल प्रोटेक्शन से आपका एमएफटी रीसेट हो जाएगा। ठीक है, एमएफटी रीसेट कब होता है? पर्जिंग अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपका एमएफटी रीसेट हो जाता है। तो ये आर्मिंग जोन है, इस आर्मिंग जोन के बाद ही आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप आपका इनिशिएट करेगा, एमएफटी रीसेट करके बॉयलर को ट्रिप कराता है। कि अगर कोई भी नो कोल नो ऑयल, एमएफटी इनिशिएटेड एंड ट्रिप द बॉयलर। देखिए इसका लॉजिक क्या है लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप का। अगर आपका बॉयलर ऑन है, बॉयलर अगर ऑन कंडीशन में है, एल ओ टी वी आपका क्लोज हो गया, एल ओ टी वी क्लोज है, ऑल एल ओ एन वी आपका क्लोज है,
एच ओ टी भी आपका क्लोज हो गया है। उसके बाद जितना भी एलिवेशन है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के जो भी एलिवेशन है, सारे एलिवेशन के चारों कॉर्नर पे आपका एच ओ एन बी है, जितना भी एच ओ एन बी है वो भी सारा आपका क्लोज है। एंड ऑल कोल फीडर आउटलेट गेट क्लोज है, मतलब कोई भी फीडर सर्विस में नहीं है। साथ साथ आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप आर्मिंग जोन आ गया है, तो आपका एंड गेट है, इससे आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप हो जाएगा। मींस यहां से क्या है, नो कोल, कोल भी नहीं आ रहा है, नो ऑयल। सारा कंडीशन अगर एक साथ फुलफिल हो जाएगा, एंड है, एंड मतलब कहते हैं सारा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर और रहता कोई एक कंडीशन में भी आपका आता, कोई एक कंडीशन से तो नहीं आना, आपको तो सारा कंडीशन फुलफिल होना है। मान लीजिए आपका एलओटीबी ओपन है तो आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप नहीं होगा, या मान लीजिए आपका एचओटीबी ओपन है, आपका नोजल वाल्व बंद भी रहे तब भी आपका लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप नहीं होगा। तो सारा कंडीशन अगर फुलफिल करेगा एक साथ, बॉयलर ऑन, एलओटीबी क्लोज, एलओएनबी नोजल क्लोज, एचओटीबी क्लोज, एचओएनबी क्लोज, फीडर आउटलेट गेट क्लोज, सारा कंडीशन अगर फुलफिल करेगा एंड लॉजिक के साथ, तो लॉस ऑफ ऑल फ्यूल ट्रिप आ जाएगा। रीहीटर प्रोटेक्शन, रीहीटर प्रोटेक्शन में भी आपका एमएफटी इनिशिएट होता है और बॉयलर को ट्रिप कराता है। देखिए रीहीट प्रोटेक्शन मतलब समझिए क्या है। ऐसे फ्रेंड्स रीहीट प्रोटेक्शन का मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पे जाकर आप उसको देखिएगा, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यहां मैं आपको ब्रीफली बताता हूं। देखिए क्या होता है कि बॉयलर से जो भी स्टीम निकलता है थ्रू द एमएस लाइन आपका कहां पहुंचता है, टर्बाइन में। टर्बाइन का जो एग्जॉस्ट जो होता है जिसको हम लोग सीआरएस लाइन कहते हैं, सीआरएस लाइन के थ्रू आपका कहां पे जाता है स्टीम, रीहीटिंग करने के लिए रीहीटर कॉइल में जाता है। रीहीटर आउटलेट हेडर से आपका लाइन जो आता है उस लाइन को कहते हैं हॉट रीहीट लाइन, एचआरएस लाइन। वो एचआरएस लाइन आपका कहां पे जाता है, आईपी टर्बाइन में जाता है। आईपी टर्बाइन से आपका कहां जाता है, आपका एलपी टर्बाइन, एलपी टर्बाइन से आपका कंडेंसर। इस प्रकार से आपका सर्किट होता है। मान लीजिए किसी रीजन से आपका टर्बाइन का स्टॉप वाल्व क्लोज हो गया, तब जो आपका मेन स्टीम जो बन रहा था, जो टर्बाइन का आपका एसपी टर्बाइन का स्टॉप वाल्व कंट्रोल वाल्व होते हुए टर्बाइन के अंदर में जो एंटर कर रहा था, अब तो एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका स्टॉप वाल्व भी क्लोज हो गया। तब क्या होता है, जैसे मान लीजिए टर्बाइन ट्रिप कर गया तो स्टॉप वाल्व क्लोज हो जाता है, तो उसके लिए क्या होता है कि अब उसका पास क्या बन जाएगा, एचपी बायपास वाल्व के थ्रू स्टीम का फ्लो होता है। एचपी बायपास का जो कैपेसिटी है वो 60% ऑफ द टोटल एमएस फ्लो कैपेसिटी रहता है। तो एचपी बायपास वाल्व ओपन होता है, एचपी बायपास वाल्व के थ्रू आपका कहां पे जाता है, आपका जाता है सीआरएस लाइन में, सीआरएस लाइन से आपका जाता है आपका रीहीटर ट्यूब में, रीहीटर ट्यूब से फिर आता है एचआरएस, एचआरएस से क्या होता है आपका आईपी टर्बाइन का स्टॉप वाल्व भी तो क्लोज रहेगा, वहां से आपका एलपी बायपास के थ्रू आपका कंडेंसर में जाता है। इस टाइप का आपका सर्किट कंप्लीट होता है। मान लीजिए कि टर्बाइन का स्टॉप वाल्व भी क्लोज हो गया, एचपी बायपास का दो लाइन होता है, एचपी बायपास वन एंड टू, दोनों का बीपी वाल्व क्लोज हो गया, खुला ही नहीं, तो उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा कि रीहीटर ट्यूब जो होता है वो ड्राई रन हो सकता है और एमएस लाइन का प्रेशर एक्सेसिव ज्यादा हो जाएगा, ड्रम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, उससे आपका ट्यूब लीकेज हो सकता है, बॉयलर का ड्रम डैमेज हो सकता है। इसे वैसे सेफ्टी वाल्व तो रहता ही है, और सबसे मेजर जो इश्यू है कि रीहीटर ट्यूब डैमेज हो जाता है, रीहीटर ट्यूब में चूंकि वो तो ड्राई रन हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो आपका सीआरएस के थ्रू स्टीम जा ही नहीं रहा है, क्योंकि सीआरएस तक स्टीम पहुंच ही रहा है। सीआरएस तक स्टीम पहुंचने का दो रास्ता, एक तो आपका थ्रू टर्बाइन और एक होता है एसपी बायपास के थ्रू, दोनों पाथ आपका ब्लॉक हो चुका है, आपका रीहीट प्रोटेक्शन में बॉयलर को ट्रिप करा देगा। वही चीज है कि बॉयलर फायर अगर ऑन है और एमएस प्रेशर ग्रेटर देन 75 केजी है और टर्बाइन ट्रिप कर गया, टर्बाइन ट्रिप कर गया, एमएस प्रेशर ग्रेटर देन 25 केजी है, बॉयलर का फायर ऑन है, तो एंड है, दोनों लॉजिक सेटिस्फाई कर रहा है। साथ में आपका एचपी बायपास 1 लेस देन 2% ओपन है और एचपी बायपास 2 भी लेस देन 2% ओपन है, दोनों लॉजिक सेटिस्फाई होना चाहिए। कोई अगर एक एचपी बायपास वाल्व ओपन हो गया तो रीहीट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होगा, दोनों एचपी बायपास वाल्व को लेस देन 2% ओपन होना है, एंड लॉजिक है। या एचपी बायपास का जो स्टॉप वाल्व 1 और 2 ओपन नहीं हुआ है
और एलपी बाईपास का कंट्रोल वाल 1 और 2 लेस देन 2% ओपन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो आइदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ये और है। और मतलब क्या हुआ है कि अगर एलपी बाईपास 1 और 2 लेस देन 2% ओपन हो, या मतलब ये ओपन हो गया लेकिन एलपी बाईपास का स्टॉप वाल 1 और 2 क्लोज है और आपका कंट्रोल वाल 1 और 2 लेस देन 2% ओपन है, मतलब ये आपका ओपन हो गया और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तब भी आपका रिंग प्रोटेक्शन आ जाएगा। तो इसलिए आपका और है, चाहे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई है ही, यहां से इन एंड गेट है कि आपका टर्बाइन ट्रिप कर गया, एमएस प्रेशर ग्रेटर देन 25 kg/cm² है, तो ये लॉजिक और इस दोनों में इसको एक लॉजिक आ गया तो टाइम डिले 10 सेकंड पे आपका बॉयलर को ट्रिप करा देगा, रीहीट प्रोटेक्शन में आपका बॉयलर को ट्रिप करा देगा। क्यों ट्रिप कराता है? क्योंकि रीहीट ट्यूब को बचाने के लिए, नहीं तो ट्यूब रीहीट ट्यूब क्या होगा, ड्राई रन हो जाएगा और लीकेज हो जाएगा, तो उसको प्रिवेंट डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग रीहीट प्रोटेक्शन दिया हुआ है, उससे आपका एमएफटी इनिशिएट करके बॉयलर को ट्रिप करा देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉस ऑफ यूनिट 220 वोल्ट DC, 220 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई का अगर लॉस हो गया तो वो टाइम डिले 2 सेकंड में आपका एमएफटी इनिशिएट होकर बॉयलर को ट्रिप करा देगा। ठीक है, 220 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई कहां कहां होता है पहले हम लोग इसको देखते हैं। 220 वोल्ट आपका डीसी सप्लाई चार जगह होता है मेनली, आपका एचओटीबी में होता है, हैवी ऑयल ट्रिप वाल्व, लाइट ऑयल ट्रिप वाल्व में होता है, एचओआरवी मतलब हैवी ऑयल रीसर्कुलेशन वाल्व, एंड स्कैनर फैन का जो इमरजेंसी डैम्पर जो होता है उसमें पावर सप्लाई होता है। इमरजेंसी डैम्पर एक होता है, एक नॉर्मल डैम्पर जो होता है, स्कैनर फैन में आपका एफडी फैन से जाता है, तो नॉर्मल डैम्पर में आपका एफडी फैन से पावर से आपका सक करता है, लेकिन अगर आपका एफडी फैन ट्रिप हो जाता है तो आपका इमरजेंसी डैम्पर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और स्कैनर जो लगा हुआ है तो फ्लैम द इंटेंसिटी को स्कैन करने के लिए होता है, फायरवॉल को सेंस करने के लिए जो स्कैनर लगा रहता है उसमें आपका पावर सप्लाई इमरजेंसी डैम्पर ओपन होकर उसको कूल कर देगा, नहीं अगर आप उसको कूल नहीं कीजिएगा तो सारा स्कैनर ही आपका मेल्ट हो जाएगा। उसको कूलिंग करने के लिए स्कैनर फैन से हवा जाता है, तो नॉर्मल कंडीशन में एफडी फैन से जा रहा है, लेकिन जैसे एफडी फैन ट्रिप करेगा तो इमरजेंसी डैम्पर ऑटो में ओपन हो जाना चाहिए ताकि स्कैनर फैन हवा दे सके और उसको कूल कर सके। तो ये चार जगह आपका जाता है 220 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। अगर डीसी 220 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई अगर फेल कर गया तो एमएफटी इनिशिएट होकर बॉयलर को ट्रिप करा देगा। क्यों कराता है? देखिए आपको एचओटीबी अगर ओपन है, मान लीजिए क्लोज ही नहीं होगा, अगर यह आपका क्लोज है ओपन ही नहीं होगा, मतलब जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में आपका प्रारंभ हो जाएगा, तो आप इमेजिनेशन कीजिए कि आपका यूनिट आपका चल रहा है और एचओटीबी मान लीजिए सर्विस में नहीं है, एचओटीबी मान लीजिए आपका सर्विस में नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन में आपका एचओटीबी क्या रहता है? ओपन कंडीशन में रहता है। मान लीजिए आपको गन लेना पड़े, गन आपने ले लिया, गन लिया और आपका 220 वोल्ट पावर सप्लाई ऑफ हो गया तो क्या होगा? आपका ओपन है ओपन ही रह जाएगा, आप उसको ऑयल गन विड्रॉ करने का कोशिश कर रहे हैं, विड्रॉ ही नहीं हो रहा है, तो समझिए कितना सारा ऑयल आपका बॉयलर के अंदर आ जाएगा। तो वो देख लेता है कि आपका एचओटीबी कंट्रोल में नहीं हो रहा है, 220 वोल्ट का लॉस हो गया तो ट्रिप करा देगा। उसी प्रकार जैसे इमरजेंसी डैम्पर है, इमरजेंसी डैम्पर अगर नहीं खुलेगा, एफडी फैन मान लीजिए ट्रिप कर गया और इमरजेंसी डैम्पर अगर नहीं खुलेगा तो जितना भी फ्लेम स्कैनर सब तो मेल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए देखा जाता है कि अगर 220 वोल्ट डीसी का अगर लॉस हो गया तो यूनिट को ट्रिप करा देता है। लॉस ऑफ 24 वोल्ट डीसी, लॉस ऑफ 24 वोल्ट डीसी में भी आपका एमएफटी इनिशिएट होकर बॉयलर को ट्रिप करा देगा। ये 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई जितना भी आपका डीपीयू में है, जो हार्ड वायर्ड है उसमें आपका पावर सप्लाई होता है। देखिए इसमें इस प्रकार से एमएफटी और 24 वोल्ट डीसी आपस में इंटर रिलेटेड, इसको देखिए आपका एमएफटी का कितना टोटल 3 चैनल है। देखिए एमएफटी 1 एंड 24 वोल्ट डीसी फेल्यूर, अगर इस दोनों में कोई भी अगर आ गया, अगर एमएफटी 1 आ गया चैनल, एमएफटी 1 का से तो आपका बहुत सारा है, ड्रम लेवल, फर्नेस, प्रेशर, आईडी फैन, एफडी फैन, इसके लिए तो आपका 3-3 चैनल बना हुआ है, तीनों से क्या है कि 3-3 हार्ड वायर निकाला है और आपका एमएफटी का जो 3 कैबिनेट है, तीनों कैबिनेट में अलग अलग इनपुट डाला है। तो एमएफटी 1 मीन्स समझ जाइए कि एमएफटी 1 क्या है, आपका जो भी बॉयलर प्रोटेक्शन के लिए जो प्री डिफाइंड कंडीशन है, जो भी आपका जैसे लॉस ऑफ 24 वोल्ट, 220 वोल्ट डीसी है, आपका ड्रम लेवल है, आपका फर्नेस प्रेशर हाई एंड लो है,
वाटर सर्कुलेशन नॉट एडुकेटेड, बहुत सारा कंडीशन है, उस सारा कंडीशन से आपका एमएफटी में आता है। और आपका 24 वोल्ट डीसी फेल्योर है, ये दोनों और कंडीशन लगा हुआ है। चाहे आप एमएफटी 1 आवे या 24 वोल्ट डीसी का फेल्योर हो, वो एक दोनों में कोई भी कंडीशन फुलफिल करेगा वो आगे निकाल देगा। उस प्रकार एमएफटी 2 एंड 24 वोल्ट डीसी फेल्योर, एमएफटी 3 एंड 24 वोल्ट डीसी फेल्योर, कोई भी कंडीशन फेल आपको आ जाता है तो ये आगे ट्रू कर देगा। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तो ये आगे ट्रू कर देगा। और इसमें से देखेगा 2/3 लॉजिक अगर आ गया तो आपका बॉयलर को ट्रिप करा देगा। चाहे एमएफटी 1 आए या 24 वोल्ट डीसी फेल्योर आए, वो आपका एमएफटी फेल्योर से आपका 2/3 लॉजिक से बॉयलर को ट्रिप करा देगा। तो इस प्रकार से देखिए एमएफटी और 24 वोल्ट डीसी फेल्योर किस प्रकार से इंटर रिलेटेड है। एयर फ्लो लेस देन 30% ऑफ एमसीआर, एमसीआर मतलब होता है फुल कैपेसिटी, यानी आपको 800 ppm, 800 से 200 तक आपका डिजाइन रहता है, वेरी करता है प्लांट टू प्लांट, 1800 ppm से आपका 2000 ppm तक रहता है। अगर 2000 भी मान के चलिए तो 600 ppm से जैसे अगर एयर फ्लो कम हुआ तो आपका यूनिट को ट्रिप करा देगा, आपका बॉयलर को ट्रिप करा देगा, एमएफटी इनिशिएट हो जाता है। क्यों ऐसा करते हैं एयर फ्लो लो से, कि विल रिजल्ट इन इनसफिशियंट एयर फॉर द कंबसन प्रोसेस एंड द फ्यूल कांट बर्न कंप्लीटली। आपका जो वहां पे कोल होता है, कोल को बर्निंग करने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए, और अगर आप सफिशियंट एयर सप्लाई नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, फ्यूल बर्न नहीं करेगा और रिच फ्यूल मिक्सचर बनता चला जाएगा, कंबसन आपको सही से टेम्परेचर नहीं मिलेगा और आपका बॉयलर का एफिशिएंसी भी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सॉरी बॉयलर का एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगा। क्या होता है, इसलिए जैसे ही लेस देन 30% आया तो आपका लेस देन एयर फ्लो 30% में आपका एमएफटी इनिशिएट करके बॉयलर को ट्रिप करा देता है। देखिए इसका लॉजिक क्या है, अगर बॉयलर का लोड ग्रेटर देन 30% है और नो एमएफटी ट्रिप चैनल 1, मीन्स आपका एमएफटी ट्रिप चैनल नहीं है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल है कि बॉयलर का लोड 30% से ज्यादा है और एमएफटी आपका ट्रिप नहीं है, ठीक है, इस दोनों कंडीशन का फुलफिल होना चाहिए तभी ये आगे ट्रू करेगा, ठीक है। और इसी समय एमएफटी ट्रिप चैनल 1 आ गया, मतलब बॉयलर का लोड 30% है, उस समय तक एमएफटी आपका ट्रिप कंडीशन में नहीं था, अब आपका एमएफटी ट्रिप चैनल 1 आया ऐसा, और एयर फ्लो लेस देन 30% आ गया है, दोनों का एंड गेट है तो एयर फ्लो लेस देन 30% हो जाएगा, और उसमें क्या करेगा, आपका एयर फ्लो लेस देन 30% में एमएफटी इनिशिएट करके बॉयलर को ट्रिप करा देगा। मींस फर्नेस के अंदर फ्यूल रिच मिक्सचर नहीं देना, हम लोग तो एक्सेस एयर सप्लाई करते हैं फॉर द बेटर कंबसन ऑफ द फ्यूल, हम लोग ऑक्सीजन 3.5% ज्यादा सेट करते हैं ताकि ज्यादा आपका एक्सेस एयर जाके अच्छे से कंबसन प्रोसेस कर सके, आपको रिच मिक्सचर नहीं बनना, थोड़ा सा हम लोग लीन मिक्सचर ही बेचते हैं ताकि प्रॉपर कंबसन हो और एक प्रॉपर टेम्परेचर आपको मिलना चाहिए फर्नेस के अंदर। इसलिए आपको यह लॉजिक दिया हुआ है कि लेस देन 30% एमसीआर में आपका एयर फ्लो अगर जैसे ही आता है तो एमएफटी इनिशिएट करके बॉयलर को ट्रिप करा देगा। वाटर सर्कुलेशन नॉट करेक्ट, इसका मतलब क्या समझते हैं, ये आपका है वाटर सर्कुलेशन नॉट करेक्ट, मतलब बीसीडब्ल्यू से बॉयलर सर्कुलेशन पंप से, वाटर पंप से। इसमें देखिए आपका दो कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट है अगर बॉयलर लोड ग्रेटर देन 60% है, लेकिन आपका बीसीडब्ल्यू पंप जो रहता है वो 210 या 250 मेगावाट में नहीं रहता है, वो आपका ग्रेविटी से ही आपका सर्कुलेशन हो जाता है, लेकिन 500 एंड उससे ज्यादा एवं मेगावाट के केस में आपका बीसीडब्ल्यू पंप या सीसी पंप रहता है, कंट्रोल्ड सर्कुलेशन पंप रहता है, तीन पंप रहता है जिसमें आपका दो पंप सर्विस में रहते हैं, एक पंप आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। तो वे पंप हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपका 500 मेगावाट के केस में क्या होता है या उससे ज्यादा केस में आपका प्रेशर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, उस कारण से क्या होता है कि वाटर और स्टीम के बीच का जो डेंसिटी डिफरेंस होता है बहुत ही कम होता है। लेस देन 500 मेगावाट के केस में, चाहे वह 210 हो या 250 मेगावाट केस में, वाटर और स्टीम के बीच का जो डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा रहता है तो आपका ग्रेविटी के थ्रू आपका सर्कुलेशन हो जाता है, लेकिन 500 के केस में या उससे केस में डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द वाटर एंड द स्टीम बहुत ही कम होता है तो आपका नेचुरल सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स्ड सर्कुलेशन के लिए एक पंप लगाते हैं और उस पंप के थ्रू आपका सर्कुलेशन होता है। तो अगर उसी से आपका रिलेटेड है वाटर सर्कुलेशन नॉट
करेक्ट, ये आपका लॉजिक जो है वो 500 एंड एबव मेगावाट के केस के लिए है। कंडीशन फर्स्ट क्या है, अगर बॉयलर लोड ग्रेटर देन 60% है, अगर बॉयलर का लोड 60% से ज्यादा है एंड लेस देन 2 पंप ऑन है, मींस ग्रेटर देन 60% बॉयलर लोड के लिए आपका 2 पंप सर्विस में होना चाहिए। अगर लेस देन 2 पंप ऑन है तो आपका एमएफटी इनिशिएट होके बॉयलर को ट्रिप करा देगा, या बॉयलर का लोड ग्रेटर देन 60% है या एक पंप सर्विस में है और डीपी अगर लेस देन 0.7 बार अगर हो गया तो आपको बॉयलर को ट्रिप करा देगा। मींस अगर बॉयलर लोड ग्रेटर देन 60% है तो 2 पंप, अगर नहीं है तो ट्रिप करा देगा। अगर आपका एक ही पंप चल रहा है तो एक पंप जैसे चलेगा तो उसमें डीपी देखेगा, ये वैल्यू आपका चेंज भी हो सकता है। मैंने एक रेफरेंस के लिए दिया है कि डीपी मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द सक्शन एंड द डिस्चार्ज प्रेशर, पंप का जो सक्शन एंड डिस्चार्ज के बीच का जो डीपी, अगर आपका 0.07 बार से कम हो गया तो आपको कंडीशन वन ऑपरेट होके बॉयलर को ट्रिप करा देगा एमएफटी इनिशिएट करके। कंडीशन टू है, अगर बॉयलर का लोड लेस देन 60% है और कोई भी पंप सर्विस में नहीं है, एक पंप ऑन होना चाहिए था, अगर वो भी पंप आपका ट्रिप कर गया तो आपका एमएफटी इनिशिएट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे तो स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है, वो जैसे ही आपका लेस देन 60% है तो आपका एक पंप चलता है, अगर एक पंप आपका ट्रिप करता है तो बाकी दूसरा पंप में ऑटो कमांड जाके उसको कर देता है। लेकिन मान लिया कि कोई भी पंप नहीं चला, आपका एक पंप तो आप एटलीस्ट सर्विस में होना ही चाहिए, अगर कोई भी पंप नहीं चलता है, नो पंप ऑन है, तो आपका वाटर सर्कुलेशन नॉट करेक्ट में एमएफटी इनिशिएट करके बॉयलर को ट्रिप करा देगा। या मान लीजिए कि आपका पंप ऑन है, पंप ऑन है, मान लीजिए एक पंप ऑन है लेकिन डीपी आपका लेस हो गया, ग्रेटर देन आपका लेस देन 0.07 बार अगर आ गया तो आपका वाटर सर्कुलेशन नॉट करेक्ट में एमएफटी इनिशिएट करके बॉयलर को ट्रिप करा देगा। मीन्स आपको यह मान के चलना है कि आपका बीसीडब्ल्यू पंप अगर लेस देन 60 मेगावाट है, लेस देन 60% है, तो एटलीस्ट एक बीसीडब्ल्यू पंप तो चलाना ही चलाना है। आप दो चलाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ग्रेटर देन 60% है तो दो तो मैंडेटरी है, आपको चलाना ही पड़ेगा ताकि आपका प्रॉपर वाटर सर्कुलेशन हो सके। बॉयलर फीड पंप ट्रिप, यानी आपका 3 बॉयलर फीड पंप होता है, अगर 500 के मेगावाट एंड एबव रहेगा तो एक आपका एमडीबीएपी रहता है, 2 टीडीबीएपी रहता है, अगर 500 से कम है जैसे 210-250 मेगावाट वाले केस में आपका 3 आपका जो एमडीबीएपी रहता है, इसमें से आपका 2 सर्विस में रहता है, एक आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है, अगर कोई एक ट्रिप करता है तो दूसरा आपका जो आपका थर्ड है वो स्टैंड बाय कंडीशन में स्टार्ट हो जाता है। बोला कि अगर जितना भी बॉयलर फीड पंप सारा ट्रिप कर गया तो 10 सेकंड टाइम डिले में आपका बॉयलर ट्रिप हो जाएगा, एमएफटी इनिशिएट करके बॉयलर को ट्रिप कर देता है। ऐसा क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ वाटर वॉल अगेंस्ट बर्निंग, क्योंकि आपका बॉयलर फीड पंप से वाटर कहां सप्लाई करते हैं, इकोनोमाइजर में जाता है, इकोनोमाइजर से आपका ड्रम, ड्रम से वाटर वॉल जाता है। अगर आपका बॉयलर फीड पंप ट्रिप कर गया, कोई भी सर्विस में नहीं है, तो इकोनोमाइजर के थ्रू वाटर फ्लो तो होगा नहीं, जब वाटर फ्लो नहीं होगा तो फिर ड्रम का लेवल डाउन होगा, डाउन होगा ड्रम का लेवल तो आपका वाटर वॉल में क्या होगा, वाटर कम हो जाएगा, तो बॉयलर ड्राई रन हो सकता है। बॉयलर जैसे ही ड्राई रन हुआ तो क्या होगा, ट्यूब बर्न कर जाएगा, ट्यूब ओवरहीटिंग से लीकेज आ जाएगा। तो इस सब को प्रिवेंट करने के लिए, बॉयलर को डैमेज होने से बचाने के लिए आपका दिया गया है कि अगर बीएफपी ट्रिप करता है 10 सेकंड टाइम डिले है, बॉयलर में एमएफटी इनिशिएट करके बॉयलर को ट्रिप करा देगा। देखिए, इफ द बॉयलर फीड पंप इफ द बॉयलर फीड वाटर फ्लो बिकम्स वेरी लो, अगर लेस देन 330 टन टीपीएच है फॉर 30 सेकंड और मोर व्हेन बॉयलर इज बीइंग फायर्ड, अगर बॉयलर आपका सर्विस में है और आपका फीड वाटर फ्लो 330 टन से भी कम हो जाता है मोर देन 30 सेकंड, तो बॉयलर ट्रिप इज इनिशिएटेड टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ वाटर वॉल ट्यूब। वही चीज है, वाटर वॉल ट्यूब को डैमेज होने से बचाने के लिए आपको क्या होता है, एमएफटी इनिशिएट कर जाएगा और बॉयलर को ट्रिप करा देता है। फ्लेम फेल्योर ट्रिप, फ्लेम फेल्योर से भी आपका बॉयलर ट्रिप करता है, एमएफटी इनिशिएट होकर बॉयलर को ट्रिप कराता है। देखिए क्या होता है, इसका भी आर्मिंग जोन है, फ्लेम फेल्योर ट्रिप से पहले आप एक आर्मिंग जोन पार कीजिएगा तभी आपका एमएफटी इनिशिएट होगा इसके कारण से। देखिए क्या होता है कि एनी फीडर, कोई भी फीडर हो, अगर आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच, अगर किसी किसी में अगर 10 मिल है तो जे के, कोई भी फीडर अगर आपका प्रूवन आ गया, प्रूवन मतलब क्या होता है, आपका सर्विस में आ गया है, आपका कोल आ गया है, मीन्स आपका फायरवॉल बन गया है,
अगर प्रूवन आ गया है, कोई फीडर आपका सर्विस में आ गया है, तब आपका आर्मिंग जोन आ गया, और आर्मिंग जोन आ गया है, अब आपका फ्लेम फेलो ट्रिप होने का से फ्लेम फेलो ट्रिप इनिशिएट होकर बॉयलर को ट्रिप करा सकता है। तो ट्रिप कब करता है फ्लेम फेलोर से, देखिए कि फ्लेम फेल्योर ट्रिप प्रोटेक्शन आर्मिंग आपका सेट हो गया है। कोई एक फीडर आपका सर्विस में आ गया है, इसका मतलब आपका आर्मिंग प्रोटेक्शन सेट हो गया है, एंड ऑल एलिवेशन, सारा का सारा एलिवेशन है, चाहे ए एलिवेशन, बी सी डी ई एफ जी एच, अगर 10 मिल है तो जे के, सारा एलिवेशन वोटेड नो फ्लेम, आपका फ्लेम ही नहीं दिखा रहा है, फ्लेम स्कैनर में आपका दिखाई नहीं रहा है, फ्लेम को स्कैनर उसको फ्लेम को सेंस ही नहीं कर रहा है, फायरवॉल को सेंस ही नहीं कर रहा है, तो आपका फ्लेम फेल्योर में एमएफटी इनिशिएट करके बॉयलर को ट्रिप करा देगा। इसका मतलब होता है इम्प्रॉपर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द बॉयलर। तो आपका फ्लेम फेल्योर में एमएफटी इनिशिएट होकर बॉयलर को ट्रिप करा, आपका इमरजेंसी ट्रिप ही दिया हुआ है। इमरजेंसी ट्रिप क्या होता है कि इफ एनी कंडीशंस अदर देन द प्री डिफाइंड कंडीशंस, देखिए बहुत सारा जो कंडीशंस है आपका आईडी एफडी ड्रम लेवल फर्नेस प्रेशर, जो भी कंडीशंस है, प्री डिटरमाइंड कंडीशन जो है, प्री डिफाइंड कंडीशंस, इसके अलावा अगर कोई अदर कंडीशन अगर आ जाता है अकर्स, एंड इन केस ऑफ इमरजेंसीज, या इमरजेंसी के केस में इमरजेंसी पुश बटन इज प्रेस्ड बाय द ऑपरेटर व्हिच रिजल्ट इन एमएफटी थ्रू इमरजेंसी ट्रिप चैनल। इमरजेंसी ट्रिप चैनल से आपका एमएफटी इनिशिएट होगा और वो आपको बॉयलर को ट्रिप करा देता है, ठीक है। इमरजेंसी पुश बटन आपको कब प्रेस करना है, जब देखिएगा अगर कोई इमरजेंसी आ गया है, या कोई प्री डिफाइंड कंडीशन के अलावा अगर कोई ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है जिस कंडीशन से आपको लगता है कि बॉयलर को ट्रिप करना है, तो आप इमरजेंसी पुश बटन होता है उसको आप प्रेस कीजिए। प्रेस करने से क्या होता है, आपका एमएफटी इनिशिएट हो जाता है, बॉयलर को ट्रिप करा देगा। देखिए इमरजेंसी ट्रिप पुश बटन प्रेस वन एंड इमरजेंसी ट्रिप पुश बटन प्रेस टू, आपका दो इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस कीजिएगा, एंड गेट है, दोनों को प्रेस करना है तभी आपका बॉयलर ट्रिप होगा, एक से नहीं होगा, दोनों पर ट्रिप कराइए और दोनों पर को आप क्या कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस करने से आपका बॉयलर ट्रिप हो जाता है, इसलिए आपका इमरजेंसी ट्रिप पुश बटन एक दिया हुआ है। ऑल सेकेंडरी एयर हीटर ऑफ हो जाए, मीन्स अगर आपका एपीएच है, जैसे एयर प्री हीटर अगर ऑफ हो जाए, दोनों एयर प्री हीटर अगर आपका स्टॉप हो जाता है, आपका एमएफटी इनिशिएट होकर बॉयलर को ट्रिप करा देगा। देखिए एपीएच हमेशा सर्विस में रहता है, एपीएच को आपका स्टॉप, अगर आपका बॉयलर ट्रिप भी है तब भी हम लोग एपीएच को रनिंग कंडीशन में रखते हैं। एपीएच अगर ट्रिप कर गया तो आपका फर्नेस प्रेशर हाई हो जाएगा, आपका जो सेकेंडरी एयर का जो फ्लो है, सेकेंडरी एयर का फ्लो आपका रुक जाएगा। तो उसी से दिया हुआ है कि ऑल सेकेंडरी एयर हीटर अगर ऑफ हो जाता है तो बॉयलर को ट्रिप करा देता है। फ्रेंड्स एनी टू एमएफटी बोथ नेट फेल्ड से भी आपका बॉयलर ट्रिप होता है। आपका तीन चैनल एमएफटी का, अगर दो एमएफटी प्रोसेसर आउट ऑफ थ्री गो इनटू फेल्ड स्टेट और एनी टू एमएफटी प्रोसेसर गो इनटू फ्रोजन आउटपुट स्टेट, इट विल इनिशिएट एमएफटी प्रोटेक्शन। इसका मेन पर्पस है कि एटलीस्ट टू प्रोसेसर आर इन हेल्दी कंडीशन व्हेन बॉयलर इज इन सर्विस, फेल्योर ऑफ प्रोसेसर लीड टू अनसेफ कंडीशन। इसलिए फ्रेंड्स आपका एमएफटी आपका उसका डीपीयू फ्रोजन कंडीशन में नहीं होना चाहिए। एमएफटी अगर फ्रोजन कंडीशन में आ गया तो बॉयलर प्रोटेक्शन इनिशिएट कैसे होगा, इसलिए ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स एमएफटी का आपका टोटल कितना चैनल है, थ्री चैनल, एमएफटी ए, एमएफटी बी, एमएफटी तीन, सी है। तीनों में से अगर 2/3 लॉजिक अगर आ रहा है तभी आपका एमएफटी ट्रिप होता है, किसी एक से नहीं होगा। इसी तीनों में से कोई अगर दो आ गया या 3/3 आ गया तो चलेगा, 2/3 भी अगर आ गया तो आपका एमएफटी से बॉयलर को ट्रिप करा देता है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर बॉयलर का प्रोटेक्शन में एमएफटी क्या क्या एक्शन लेता है उसको देखिए। बॉयलर ट्रिप रेड लैंप कम्स ऑन, जो बॉयलर ट्रिप का जो लैंप होता है रेड लैंप वो आपका जल जाएगा। सेकेंड एमएफटी का जो ए एंड बी जो ट्रिप लैंप है वो भी आपका कम्स ऑन हो जाएगा, एंड रीसेट लैंप गोज ऑफ, जो एमएफटी रीसेट लैंप जो होता है वो आपका गोज ऑफ हो जाएगा, और एमएफटी का जो ट्रिप लैंप है वो कम्स ऑन हो जाता है आपका। काउज ऑफ ट्रिप मेमोरी कैंट बी रीसेट टिल द फर्नेस पर्च इज कंप्लीटेड, जो आपका जो ट्रिप मेमोरी होता है उसको आप रीसेट नहीं कर सकते हैं। कब आप रीसेट तब होगा जब आपका फर्नेस का पर्जिंग कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद उसको ट्रिप मेमोरी को आप रीसेट कर सकते हैं।
एफडी फैन कंट्रोल जो होता है वो ट्रांसफॉर्म टू मैनुअल, एफडी फैन का जो कंट्रोल है वो आपका मैनुअल मोड में आ जाएगा। आरडी फैन का जो वेन पोजीशन इज ट्रांसफॉर टू मैनुअल, आरडी फैन का जो वेन पोजीशन भी जो होता है वो ऑटो से आपका मैनुअल मोड में आ जाता है। मील जितना भी जितना भी पोलराइजर मील है वो सब आपका ट्रिप हो जाएगा। फीडर जितना है वो सब आपका ट्रिप हो जाता है। पीएफ एन आर ट्रिप, पीएफ एन जो भी सर्विस में था सारा ट्रिप हो जाएगा। एंड परमिट टू स्टार्ट पीएफ एन सिग्नल वो आपका रिमूव हो जाएगा। कोल्ड एयर डेम्पर जितना भी मील का जो हॉट एयर डेम्पर होता है और कोल्ड एयर डेम्पर, हॉट एयर डेम्पर तो क्लोज हो ही जाएगा बट कोल्ड एयर डेम्पर जो होता है वो ओपन टू 100% ओपन हो जाएगा। कब? टाइम डिले 300 सेकंड के बाद जितना भी मील का कोल्ड एयर डेम्पर है सारा सारा ओपन हो जाएगा। एचओटीवी आपका क्लोज हो जाएगा। एचओएनवी, एलओएनवी, एचओएलओटीवी सब का सब क्लोज हो जाएगा। जो अपर एंड लोअर फ्यूल एयर डेम्पर जो ओफा एंड लोफा होता है वो सब ओपन हो जाएगा। एंड एसीडीसी में जो आपका एक्सिलरी एयर डेम्पर ओपन हो जाएगा और उसका जो कंट्रोल जो होता है वह मैग्नेटिंग टू मैनुअल हो जाएगा, मतलब ऑटो से आपका मैनुअल हो जाता है। तो ये सारा चीज पे आपका एमएफटी एक्शन लेता है, इतना सारा चीज पे, ताकि बॉयलर आपका सेफ रहे, डैमेज नहीं हो सके बॉयलर का। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द बॉयलर प्रोटेक्शन सिस्टम और किस प्रकार से एमएफटी एक्ट होता है। तो इतना वीडियो काफी लंबा था, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, काफी यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।